हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रुखसाना मल्ला कुकिंग किचन में। एक कुकिंग नहीं है आज, एक काला खट्टा जंजीरा शरबत। वो स्टार्टिंग से एंड तक देखोगे तो ही मालूम पड़ेगा कि काला खट्टा जंजीरा शरबत कैसे बनाया जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या ले लेंगे, एक एक करके बताते हैं। अभी तो बारिश की मौसम है, अब तक गर्मी नहीं है। हाँ, फिर भी हम लोग कभी नींबू का शरबत बना के पी लेते हैं, कभी जो सब जगह शरबत बना के पी लेते हैं कि वो क्या पेट ठंडा रहता है। ये जब आज लेके आई एक चटपटा काला नमक, काला खट्टा और जंजीरा, ये जलजीरा, तो एक चटपटा का शरबत है। चलो और इसमें जाएगा नींबू। क्या जाएगा? नींबू। हाँ तो चलो मैं कैसे करके बनाती हूँ, पूरा वीडियो देखते रहो, मन को शांति करके। कभी बनाने की जरूरत पड़ेगा आप पूरा देख के बना सकते। चलो स्टार्ट करते हैं। एक कप शुगर लिए तो कितना चम्मच कितना लगता है उसके हिसाब से लेंगे, बर्फ तो पूरा भी डाल देगा चलेगा। दो चम्मच नमक, काला नमक वो भी तो स्वाद अनुसार डालने का, अरे काला खट्टा भी हिसाब से। पैकेट में जंजीरा एक्चुअली ज्यादा है तो देखेंगे अगर इसमें कितना, अगर अपने को मालूम कितना चाहिए रहेगा उसके हिसाब से जंजीरा डालेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ले लिया है बाउल में भी गिलास के माप का पानी डालेंगे। अगर आपके घर में फैमिली ज़्यादा है तो आप लोग ज़्यादा करके बना सकते हो ना। शक्कर पांच चम्मच शक्कर डाला है। जब जूस पिया जाता है थोड़ा सा मीठा अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो जूस बोलो शरबत बोलो ये थोड़ा सा मीठा नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगता पीने को, तो मैंने इसलिए अभी पांच चम्मच लिया। देखूंगी अभी कितना मीठा होता है, अगर जरूरत पड़ेगा तो फिर पैसे डाल देंगे। ठीक है, अब बाहर से गोला खाते हैं। अगर आप लोग बोलोगे कि दो दुकान अंकल को कि अंकल काला खट्टा वाला नींबू पानी बना के तो आप लोग को वो भी बना के देगा जंजीरा वाला। हाँ जंजीरा वाला साथ में। तो चलो अभी अपना शुगर मेल्ट हो गया है, इसमें अब जाएगा काला नमक आधा चम्मच, हाफ टेबल स्पून काला नमक। चलो तो अपने आप मेल्ट हो जाता है वो। अब जाएगा इसमें काला खट्टा दूँ, जलजीरा दूँ पहला? पहला जंजीरा जाएगा फिर काला खट्टा डाल दें इसमें। ये क्या मैंने कैची लेकर आते थे ना, बराबर करता था होता था पूरा बाहर आ जा रहा, क्योंकि इसके अंदर पाउडर जैसा है को वाइट से क्या कौन सा कलर हो गया। और एक डालना पड़ेगा और एक कैची लेने के लिए, आरे कैची लेके काटने के लिए। कैची से काटूंगी ना अच्छा से निकलेगा, देखो ये देखो अच्छा से ये आ गया, ये भी नहीं कटा। अब कटेगा शायद। अभी देखो अब आराम से गिरा माशाल्लाह, अच्छी तरह से कट कर लेंगे। धो धा के फ्रिज में इतना अच्छा नींबू था, फ्रिज में रख के देखो कैसा हो गया एकदम, कट कर लेंगे। कट करके रखे थे वो उसमें डाल देंगे। जूस भरा हुआ, दस टेस्ट होने वाला है शरबत। ये नींबू का जो पल्प है ना वो भी मुझे बहुत पसंद है शरबत में। अच्छा ये देखो काला खट्टा, बहुत टेस्टी बना। हाँ अब इसमें जब बर्फ जाएगा ना और टेस्टी दुगना हो जाएगा टेस्ट। ये देखो एकदम सिंपल, एकदम इजी, हार्ड नहीं कुछ नहीं, एकदम इजी तरीके से अपने घर पे आप लोग काला खट्टा का शरबत बना सकते हो। इसमें डाल देंगे कोल्ड ड्रिंक जैसा लग रहा है लेकिन एक्चुअली काला खट्टा है ये। आइस ये देखो अभी रखी थी, बारिश बोल के जल्दी गला नहीं है, अगर गर्म होता था ना गल जाता था, सेकंड भी नहीं लेता था गल जाता था। इतना जबरदस्त। तो चलो झटपट कुकम का शरबत रेडी हो गया एक घर बड़ा पे। सा ये देखो ये केक बड़ा सा कितना अच्छा हो गया ना, ये वाला ये गला नहीं था, झटपट बन जाएगा एकदम अच्छी अच्छा और मज़ेदार का। तो चलो कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स कर देना, लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि और नया नया
रेसिपी, नया नया शरबत आप लोग को देखने मिले। तो वीडियो इधर ही एंड करते हैं। बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। बाय, अल्लाह मालिक, खुदा हाफिज़।